श्रोमणी अकाली दल की दिल्ली इकाई की कोर कमेटी की मीटिंग हुई जिस विच भारतीय जनता पार्टी का साथ ना देने ते मेंबर ना रहने का मता पास किया गया। इस नाल ही दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी तो जो लोग भाजपा की टिकट के काउंसलर चेयरमैन बने ने उन्होंने इस्तीफा देने लिए आख्या गया। दस दिए कि दो चेयरमैन दो डिप्टी चेयरमैन अकाली दल ने इस्तीफा देने लिए आख्या है। हुक्म ना मनण वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अकाली दल की दिल्ली इकाई ने मैंबरों को दिल्ली निगम से मिले अहदे छड्डन के लिए किया इस्तीफा देने लिए किया है। मनप्रीत कौर कालका ने निगम डिप्टी चेयरमैन के अहदे तो इस्तीफा दे दिता है। दो होर मैंबरों को निगम से अहदे जो मिले ने उन्होंने छड्डन लिए कहा गया। दिल्ली अकाली दल के आगू भाजपा की टिकट से निगम चोणा लड़े सन, सो जो इन्हों अहदियां ते ने उन्होंने इस्तीफा देने की हुण गल कही जा रही है। अहदे ना छड्डन वालों के खिलाफ कार्रवाई करन की भी गल हरमीत सिंह कालका ने की है। सो अकाली भाजपा गठजोड़ टुटन का सेक दिल्ली भी पहुंच चुके है। सो तमाम जिहड़े अहदियां ते भाजपा की टिकट तो जो चोण लड़े सन उन्होंने इस्तीफा देने की गल कही जा रही है। किसानों के हकों के लिए श्रोमणी अकाली दल लगातार जिहड़ा संघर्ष कर रहा है। सब तो पहला केंद्रीय वजारत तो इस्तीफा दिता गया, उस तो बाद एनडीए दे नाल अलायंस जिहड़ा वो खत्म किया गया सिर्फ किसानों के हकों के लिए। और इसका असर जिहड़ा दिल्ली भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली यूनिट वालों जिहड़ी कोर कमेटी की बैठक की गई हरमीत सिंह कालका दिल्ली इकाई के प्रधान नाल की कुछ अहम फैसले ले गए हैं। देखो जिहड़ा पिछले समय तो जिहड़ा संघर्ष चल रहा है श्रोमणी अकाली दल का बतौर एनडीए दे असीं पार्टनर रहे हैं। असी अपनी पूरी गल रखी है किसानों के जिहड़ा ऑर्डिनेंस दे विच चेंजेस लिया दी, मगर किधरे ना किधरे सुनवाई नहीं हुई। इहदे करके साडी कैबिनेट मिनिस्टर बीबा हरसिमरत कौर बादल ने रिजाइन दिता। पार्टी के प्रधान ने इन्ने साल पुराना अलायंस तोड़िया किसानों के हकों लिए, तो दिल्ली कमेटी के दिल्ली के जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल इकाई है वो सारी कोर कमेटी मीटिंग ले गई, सामने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए एनडीए तो अपना नाता तोड़िया और बिल्कुल इस चीज़ का फैसला लिया कि पार्टी का हर वर्कर पार्टी के हाई कमांड के नाल खलोता और जिहड़ियां चेयरमैनियां ने सानू उस तो बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। जिदे चलते हुए मनप्रीत कौर कालका ने अपना इस्तीफा बतौर उत्थे डिप्टी चेयरमैन दे उन्होंने सानू भेजता और बाकी जिहड़े साडे चेयरमैन हैगे ने सरदार परमजीत सिंह राणा सरदार राजा इकबाल सिंह असी उन्होंने मैसेज भेजता गया कि अपने इस्तीफे वो सीधे जमा करा, अगर वो नहीं कराते तो एक कॉल उन्होंने कि उन्होंने पार्टी के नाल रहना। बट पार्टी इस मामले के बीच हुए कि जे पार्टी के बीच रहना तो तुहानू इस्तीफे देने पैणे। जी जिहड़ा चोण हुई सी काउंसलर दी वह अकाली भाजपा सांझे उम्मीदवार के तौर पर लड़ी सी, जिहड़े हुण इस्तीफे हो रहे हैं ये चेयरमैनियां तो दिते जा रहे हैं या अपने काउंसलरशिप तो दिते जा रहे हैं? नहीं, चेयरमैनियां तो दिते जा रहे हैं क्योंकि जिहड़ी काउंसलर की सीट होंदी है इहदे विच कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, इस करके चोन निशान के उत्ता कोई फर्क नहीं पैंदा। बट क्योंकि कैंडिडेट साडे सी श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के सांझे उम्मीदवार से, तुसीं देखिया होना कोई भी पोस्टर कोई भी बैम्फलेट कोई भी चुको तो श्रोमणी अकाली दल के सांझे उम्मीदवार के तौर के उत्ते सानू टिकटां मिलियां, सानू बीजेपी के कोटे तो टिकटा नहीं मिली। सो इस करके अकाली दल के वर्करां दे विच नुमाइशी ना आए, उन्हां दे विच कोई नमोशी ना होए तो मैं समझदा कि साडी जिम्मेवारी बनती है कि असी जिहड़ी सेवा सानू लोगों ने दित्ती है असी साल सवा साल जिहड़ा होर रह गया वो इस टर्म दे विच करांगे और अगली आने वाली चोणां दे विच अपना डिसीजन वखरा लांगे। दिल्ली यूनिट दे विच भी जिहड़ी है कोर कमेटी दे विच फैसला लिया गया कि अकाली दल का कोई भी जिहड़ा वर्कर है वो एनडीए दे नाल किसी भी तरह की सांझ नहीं रखेगा, बीजेपी दे नाल किसी तरह की सांझ नहीं रखेगा। कारपोरेशन दे विच जिहड़ियां चेयरमैनियां ने उस तो इस्तीफे दिते जाणगे। कैमरा परसन जगदीश दे नाल जसमीत सिंह, पीटीसी न्यूज़ दिल्ली।